आज हम शुरू कर रहे हैं सितंबर के महीने की न्यूज़ को। सितंबर के महीने की न्यूज़ को प्रॉपरली सारा का सारा डिस्कस करेंगे, और जैसे कि हम मैगजीन में डालते हैं, न्यूज़ को सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन नेशनल न्यूज़ का होता है, फिर न्यूज़ स्टेट्स होता है, उसके बाद देन वी डिस्कस द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। इस तरह टोटल 15 सेक्शंस हैं, तो एक एक सेक्शन को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि जिससे कि आपको जीके याद हो जाए, पहले हम क्या करेंगे, एट द वेरी फर्स्ट ऑनसेट हम न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द न्यूज़, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट में जब सारी न्यूज़ कवर हो जाएंगी उस सेक्शन की, और सेक्शन सेशन के एंड में हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट करेंगे इन द मैटर ऑफ रैपिड फायर। रैपिड फायर का मतलब क्या है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको वो उसका जवाब देना है। नाउ आपने उस न्यूज़ को पहले एक बार सुना है न्यूज़ में, दूसरी बार जब आपने क्वेश्चंस किए हैं, और तीसरी बार जब रैपिड फायर में पार्टिसिपेट करेंगे, तो मुझे पूरी पक्की उम्मीद है फिर आप उस चीज़ को भूलेंगे भी नहीं और वो अच्छे से याद हो जाएगी। और एग्ज़ाम के टाइम पे जब आपके पास वहाँ पे MCQ होगा, तो आपको चमकेगी वो ऑप्शन जो कि आपके आंसर होगा। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई मीन कि एक नए तरीके से हम शुरुआत करते हैं जीके को याद करने की। पहले न्यूज़ और उसको डिस्कस करेंगे, डिस्कशन में हम थोड़ी सी डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपको उसकी बैकग्राउंड का भी पता लग जाए। फिर उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन, उसके रिलेटेड क्वेश्चन, एंड जब सेशन एंड होगा तो वहाँ पे एक रैपिड फायर। तो उस रैपिड फायर में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि उसी के बाद ही पता लगेगा कि आपको कौन सी चीज़ कितनी याद हो गई है। और अगर वहाँ पे गलती भी हो गई, तो भी जब आप अपनी गलती को सुधार लेंगे, राइट आंसर का पता लग जाएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि या अब ये चीज़ नहीं भूलेगी। और जैसा मैंने कहा, फिर वो जब MCQ एग्ज़ाम में आते हैं, वहाँ क्या आँखों के सामने आंसर चमकेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा वहाँ पे। सो लेट अस बिगिन विद दिस टुडे सेशन ऑफ जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स, और शुरू करते हैं आज सितंबर महीने की नेशनल न्यूज़ से। सो पहली न्यूज़ है BHEL टू ब्रिंग इन मैगलेव टेक्नोलॉजी। नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल BHEL की फुल फॉर्म क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है, एंड इट हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद स्विस रैपिड AG ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है फॉर मैगलेव ट्रेन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। नाउ मैगलेव ट्रेन क्या होती है, इसके बारे में जानने के लिए ये एक फोटोग्राफ है, दैट इज़ द मैगलेव ट्रेन की फोटोग्राफ है। नाउ मैगलेव का वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम मैग्नेट, एंड लेव का मतलब लेविटेशन। लेविटेशन का मतलब क्या होता है, हवा में उड़ना, मैग्नेट की पावर के साथ हवा में उड़ना। तो ये जो मैग्लेव ट्रेन है, ये मैग्नेटिक फोर्स के साथ हवा में उड़ती है। और जब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसका कैसे चलता है काम, ये ट्रेन कैसे चलती है, और इसकी टेक्नोलॉजी, बेसिकली इसकी टेक्नोलॉजी 1970s में जापान में इसकी इन्वेंशन हुई थी। और जापान में इसकी इन्वेंशन होने के बाद आज बहुत से कंट्रीज हैं जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, बट दैट इज़ व्हाट यू शुड नो कि ये जापान में 1970s में ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी। ये ट्रेन काम कैसे करती है, थोड़ा सा ये भी समझ दें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि काम कैसे करती है। ना अगर ये हवा में उड़ती है ट्रेन, तो हवा फिर ये आगे पीछे क्यों नहीं हो जाती, तो पहले, और जब ये स्टेशन पे रुकेगी तो फिर कैसे रुकेगी। तो स्टेशन पे जब ये ट्रेन रुकती है, इसके रबड़ के पहिए होते हैं। पहले तो आप देखें, इसके ग्राउंड में रबड़ के पहिए होंगे, और वहाँ पे ये ट्रेन रुकेगी, उसी से ये ट्रेन रुकती है। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। और सेकेंडली हम क्या देखते हैं, ये कैसे चलती है। ये ट्रेन पहले धीरे से शुरू होती है,
और इसकी जब स्पीड तकरीबन 150 किलोमीटर की हो जाए, पर आर की हो जाए, उसके बाद फिर मैग्नेट फोर्सेस से ये हवा में ऊपर उठने लगती है, मैग्नेटिक फोर्सेस से ये ऊपर उठने लगती है। और जब ये हवा में ऊपर उठ जाती है, इन दैट केस फिर रेजिस्टेंस कम हो जाता है एंड इट्स स्पीड कैन गो अप टू 600 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। नाउ यू कैन वेल इमेजिन दिस इज वेरी वेरी हाई स्पीड, और इसके लिए टेक्नोलॉजी भी जो है बहुत लेटेस्ट और बहुत उम्दा होनी चाहिए। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया आपको, जापान में इन्वेंशन हुई, चाइना में भी चलती हैं, और ये ज्यूरिख की कंपनी है स्विस रैपिड, जो कि आज की डेट में वर्ल्ड लीडर है इन डिजाइनिंग एंड कमीशनिंग द मैग्लेव रेल प्रोजेक्ट्स। सो दैट इज अबाउट द ये वाला सिस्टम है। और जैसे मैंने बताया कि जब ये चलती है, इट डजंट हैव एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द गाइड, तो इसका फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रहता, ये हवा में चलती है। तो ये 500 से लेके 600 किलोमीटर तक की स्पीड तक ये इसकी स्पीड हो जाती है। नाउ माय क्वेश्चन हियर इज, नाउ ठीक है, इंडिया में BHEL के साथ, किसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे? BHEL के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, और ये कंपनी इट्स ए पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड इट्स ए महारत्न कंपनी ऑल्सो, इट्स ए महारत्न कंपनी ऑल्सो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि महारत्न क्या होता है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज में कुछ एक कंपनीज को ऑटोनोमी दी जाती है कि वो इतने करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट खुद ही कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। सो दोज कंपनीज आर नोन एज महारत्न कंपनीज। आज की डेट में इंडिया में 10 कंपनीज हैं विच आर हैव बीन डिक्लेयर्ड एज महारत्न कंपनीज। कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, ONGC, IOC, SAIL, GAIL, NTPC, इसके अलावा अब क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है? द बुलेट ट्रेन, इंडिया में इंडिया ने बुलेट ट्रेन का एग्रीमेंट किया है, तो बुलेट ट्रेन के लिए किसके साथ एग्रीमेंट, कौन से देश के साथ एग्रीमेंट किया था? दैट वाज डन विद जापान के साथ किया था। और ये जो बुलेट ट्रेन है, इट विल रन बिटवीन विच टू सिटीज? इट विल रन बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। महारत्न कंपनी वाला क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा डेफिनेटली कहीं ना कहीं जरूर आता है, तो यहाँ भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बुलेट ट्रेन वाला जो है कॉन्सेप्ट है, वो ये जो बुलेट ट्रेन है इसके लिए जापान के साथ एग्रीमेंट किया गया। ये मैग्लेव के बारे में डिटेल दी है आपको कि मैग्लेव कैसे काम करता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। PM एड्रेसेस 75th UNGA। मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को 26 सितंबर को इन्हें वर्चुअल मोड एड्रेस किया है। ये जनरल असेंबली का सेशन, दिस इज बीइंग हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान ऐसा हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक ये जो सेशन है ये वर्चुअल मोड में किए जा रहे हैं। सो दिस वॉज द 75th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एड्रेस किया है। अब यहाँ पे इसका थीम क्या है? थीम इज द फ्यूचर वी वॉन्ट। थीम क्या है इसका? द फ्यूचर वी वॉन्ट, द यूनाइटेड नेशन वी नीड, रिफॉर्मिंग अवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म एंड कन्फ्रंटिंग द COVID-19 थ्रू इफेक्टिव मल्टीलेटर एक्शन। तो ये थोड़ा लंबा है। कितने कंट्रीज हैं जो कि UNO के मेंबर हैं? सो दैट इज 193 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ UNO। इन विच ऑर्गन आर ऑल कंट्रीज रिप्रेजेंटेड? दैट इज जनरल असेंबली। विच इज द मेन डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UNO? दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? 15। इज इंडिया ए मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? At present, no. But India is going to become member from 1st of January 2021 as non-permanent member.
तो 1/1/2021 को इंडिया विल बिकम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ फॉर 2 years. चलिए, सो दैट मीन्स वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू क्वेश्चंस हियर आल्सो. इंडिया श्रीलंका पीएम होल्ड वर्चुअल समिट. तो जैसे पहले मीटिंग्स हुआ करती थी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की आपस में, हेड ऑफ द स्टेट की आपस में, आजकल पेंडेमिक की वजह से वो मीटिंग्स पॉसिबल नहीं हो रही हैं, इसीलिए वर्चुअल समिट की जा रही हैं. तो वर्चुअल समिट हैज़ बीन डन बाय मोदी जी विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका. तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर आज की डेट में कौन है? महिंदा राजापक्से. महिंदा राजापक्से इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका और पहले ही यूज्ड टू बी द प्रेसिडेंट. He used to be the president at one time. ठीक है, आज की डेट में जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, इनके ब्रदर हैं, इनके ब्रदर गोटाबाया राजापक्सा. He is the president of Sri Lanka at present. तो now this particular meeting, इसका importance क्या है? क्योंकि neighborhood first approach ये मोदी जी ने शुरू किया है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार बाद में आते हैं, पड़ोसी पहले आते हैं और पड़ोसी परमानेंट होते हैं. तो इसीलिए नेबरहुड फर्स्ट अप्रोच है, दैट इज बीइंग, उस चीज़ को जो है हम ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं एज ए कंट्री ऑल्सो. तो एक सागर डॉक्ट्राइन है उसके ऊपर. सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन. सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन. तो इसको भी याद रखना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. आज की डेट में एवरीबॉडी नोज चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन कुछ ख़राब हो चुके हैं. डेट में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो उसके उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए जो सागर का कॉन्सेप्ट है वो शुरू किया है. और चाइना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो हमारे नेबरहुड में अपने जाल बिछा रहा है, तो श्रीलंका में भी उन्होंने वहाँ पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है और इतना पैसा इन्वेस्ट किया है कि आज की डेट में श्रीलंका उस पैसे को वापस करने की स्थिति में भी नहीं है. और इसीलिए श्रीलंका ने अपना बहुत सारा इलाका चाइना को 99 ईयर के ऊपर लीज पे दे दिया है. दैट वे चाइना हैज़ गॉट होल्ड ऑफ हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी पोर्ट है और यहाँ पे उसके जो वॉरशिप्स हैं दे कैन ऑल्सो डॉक, वो भी डॉक कर सकते हैं. ऑल्दो श्रीलंका का कहना है कि ये सिविल पोर्ट है, श्रीलंका का कहना है कि ये सिविल पोर्ट है, बट अगर कहीं मुश्किल हो जाए तो चाइना विल डेफिनेटली इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगा कि वो इस चीज़ को अपने मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ करें. तो इस तरह से चाइना ने जो अपनी पॉलिसी है उसका जो नाम है उसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. हमर पोर्ट है, ठीक है जी, फिर यहाँ पे श्रीलंका में उन्होंने हम्बनटोटा बना लिया और फिर बांग्लादेश के साथ दे आर गेटिंग इनटू एग्रीमेंट फॉर चिटागोंग, फिर म्यांमार के साथ उन्होंने ऐसा किया है. नाउ दैट वे दे आर क्रिएटिंग ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अराउंड इंडिया, या इंडियन ओशन में वो अपने जाल बिछा रहा है ताकि उसे कभी मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सके. सो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने सागर कॉन्सेप्ट है वो शुरू किया. वर्ल्ड टेक्नोलॉजी समिट हेल्ड, फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी समिट. इट वॉज शेड्यूल्ड ऑन सितंबर, 8 सितंबर को होना था और दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑन ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म. पहले तो ये फिजिकल फॉर्म में होना था, अब भी किस फॉर्म में हुआ है? वर्चुअल फॉर्म में हुआ है. और किसने किया है ये? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने इसे अरेंज करवाया है. नाउ इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या चीज़ है? वी शुड अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. 2015 में पेरिस में क्लाइमेट समिट हुआ था, उस समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी एंड फ्रांस के प्रेसिडेंट मित्रा, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया था टू क्रिएट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है. एंड बाय द वे इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है और गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है.
aim to focus on state of art technology. तो बढ़िया से बढ़िया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए एंड सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए. सोलर एनर्जी इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग इन फ्यूचर, क्योंकि ये अदरवाइज बिल्कुल फ्री है. यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है कंपैरेटिवली वो भी कम है. सो और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये क्या करने जा रहा है, सोलर एनर्जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वी नो कि सूरज की जो मैक्सिमम गर्मी है दैट इज बिटवीन द टू लाइन्स, लाइन ऑफ कैंसर एंड लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. अगर ये इक्वेटर है तो नॉर्थ में हमारी कौन सी है, लाइन ऑफ कैंसर, और साउथ में कौन सी है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. एंड बोथ आर सिचुएटेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, 23.5 के लेटीट्यूड के ऊपर दीज आर सिचुएटेड फ्रॉम द इक्वेटर. यहाँ से 23.5 और ये नीचे कैप्रिकॉर्न भी 23.5. नाउ ये चीज़ें थोड़ी समझने की हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं सोलर अलायंस की तो कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, उनको भी आपको पता हो जाना चाहिए. और आज की तारीख में हम देखते हैं कि 121 कंट्रीज दे आर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एंड बेसिकली दिस अलायंस इज ऑलमोस्ट ऑफ दोज कंट्रीज विच फॉल बिटवीन दीज टू लाइन्स, दैट मीन्स लाइन ऑफ कैंसर एंड लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब यहाँ पे देखते हैं कि विच आर द टू लाइन्स, विच ऑफ द टू लाइन पास थ्रू इंडिया, इन दोनों में से कौन सी लाइन इंडिया के थ्रू गुजरती है, दैट इज लाइन ऑफ कैंसर. कितनी स्टेट में से गुजरती है, 8 स्टेट्स में से गुजरती है. हो जाते हैं गुजरात से, राजस्थान से, बिहार से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, त्रिपुरा से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो दीज आर द स्टेट्स जहाँ से ये लाइन गुजरती है. एंड हेयर यू कैन सी दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेटर, दिस इज लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी लाइन ऑफ कैंसर, एंड दिस इज लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो ऑल दोज कंट्रीज विच फॉल इन दिस एरिया दे आर वेलकम टू द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. एंड वी कैन फाइंड के बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि इस लाइन में पढ़ते हैं. और वो क्यों मेंबर बनते हैं इस चीज़ के, क्योंकि सन रेज का मैक्सिमम इफेक्ट यहाँ पे होता है, मैक्सिमम इफेक्ट यहीं पे है, यहीं से सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जा सकता है. नेक्स्ट न्यूज देखते हैं आज, इंडिया जॉइंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन. इंडिया हैज बिकम मेंबर ऑफ कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन. तो ये जो चीज देखने वाली है कि आज की तारीख में जो है इंडिया हैज बिकम द मेंबर ऑफ कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन. दिस इज अ बॉडी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. नाउ UNO की एक ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और ये काउंसिल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है, और उसी में से एक जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन. इंडिया हैज बीन इलेक्टेड द मेंबर ऑफ दिस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर. तो इंडिया 5 साल के लिए इसका मेंबर बन गया है. इससे इस ग्रुप की मेंबरशिप कितनी है, 45 मेंबर्स हैं इसके, एंड इंडिया हैज बिकम मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप. नाउ इसका मेन पर्पस क्या है, नाउ एज वी कैन अंडरस्टैंड स्टेटस ऑफ वुमेन, तो जेंडर इक्वालिटी इज द मेन पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. सो दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड, प्रमोट्स वुमन राइट्स, reality of women life throughout the world and helped in shaping global standard on gender equality and empowerment of women. This is about commission on status of women. Iske upar questions kaun se ban sakte hain, ab ye dekhte hain. Economic and social council, ECOSOC ki full form kya hai, full form kya hai. The one ECOSOC, commission on status of women hai uski 5 saal hai, that is 5 years, but ECOSOC ki jo membership hai that is only for 3 years. India to host SCO. India is scheduled to hold the Ministerial Council of Head of the Government of Shanghai Cooperation Organization on 29th and 30th November 2020 in New Delhi. Basically,
ये न्यू रैली कह रहे हैं हम, बट वॉट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन इन द वर्चुअल मोड। दैट मीन्स जितने भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं वो अपने कंट्री में ही रहेंगे और वहीं से जो है ये मीटिंग जो कंडक्ट की जाएंगी, तो फिजिकल फॉर्म में नहीं हो रही हैं, दिस इज बीइंग डन इन द वर्चुअल मोड। अब ये SCO क्या चीज़ है, व्हाट इज SCO? तो SCO की फुल फॉर्म क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनी थी, इसमें 6 मेंबर थे, आज की डेट में इसके 8 मेंबर हैं। ये 8 मेंबर में से कौन से 2 मेंबर ऐड हुए हैं, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान दे वर कोऑप्टेड एज द मेंबर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके करंटली सेक्रेटरी जनरल जो है व्लादिमीर नोरोव है, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान। लिटरेसी रेट इम्प्रूव्स टू 77.7% इन इंडिया। इंडिया का जो लिटरेसी रेट है दैट हैज इम्प्रूव्ड टू 77.7%। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है इंडिया में वो कहाँ पे है, केरल में है, दैट इज 96.2%, एंड एट नंबर 2 इज दिल्ली एट 88.7%, एंड देन उत्तराखंड एट 87.6%। और बॉटम में कौन है, बॉटम में है आंध्र प्रदेश जहाँ पे 66.4 है, और राजस्थान है 69.7, एंड बिहार एट 70.9। और ये डाटा कहाँ से आया है, हाउसहोल्ड सोशल कंजम्पशन डाटा एजुकेशन इन इंडिया एज पार्ट ऑफ 75th नेशनल सैंपल सर्वे है, फ्रॉम 2017 टू 2018 का सर्वे है। उसके मुताबिक ये डाटा जो है आया है कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है दैट इज 77.7%। तो लिटरेसी का मतलब क्या होता है ये भी समझिए, डज इट मीन द होल पॉपुलेशन, नो, इट मीन्स अबव 6 ईयर्स ऑफ एज। तो मैक्सिमम एज कोई नहीं है, बहुत 6 ईयर्स ऑफ एज के जो 6 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो इफ दे कैन पुट देयर सिग्नेचर इट इज कंसिडर्ड दैट दे आर लिटरेट, देन दे आर कंसिडर्ड दैट दे आर लिटरेट। सो इस तरीके से हम देखते हैं लिटरेसी के पैमाने को हम कैसे मेजर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में कहा था, पहले हम न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर बेस्ड उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे, और लास्ट में करेंगे रैपिड फायर कि जितने अपने न्यूज़ डिस्कस किए हैं, जितने क्वेश्चंस किए हैं आप लोगों ने, उन सब को फटाफट अब मैं नहीं अब आप जवाब देंगे। एंड सेकेंडली इसमें क्या होगा कि यू आर सपोज टू गिव द आंसर विद इन अराउंड 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड के अंदर अंदर आप जवाब दीजिए ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि आपको चीज़ें याद हो चुकी हैं। जो आप गलत भी हो जाएगा तो चिंता मत करो, क्यों रिमेंबर कि आपने जो कुछ पहले अभी किया है उसी का जो है एक तरह का टेस्ट हो जाएगा आपका, और चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स नाउ, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्री विद विच इंडिया हैज फॉर्मलाइज्ड एन एग्रीमेंट फॉर बुलेट ट्रेन। तो इसका ना ये पहले सबसे पहले न्यूज़ थी वो मैंगलोर की न्यूज़ थी, पर वहाँ पे हमने एग्रीमेंट किया था इंडियन कंपनी ने, और वो कौन सी कंपनी थी, दैट वाज BHEL, और कौन सी कंपनी के साथ किया था, स्विस कंपनी थी उसके साथ एग्रीमेंट किया था। नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट बुलेट ट्रेन, तो बुलेट ट्रेन के लिए इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है, तो इसका आंसर फटाफट क्योंकि वहाँ भी मैंने बताया था आपको, जल्दी से 5 सेकेंड के अंदर अंदर आपका आंसर आना चाहिए। एंड द आंसर इज नाउ आंसर इज जापान, कैपिटल जापान। सेकेंड क्वेश्चन, द बुलेट ट्रेन विल रन बिटवीन विच टू सिटीज, जल्दी से जवाब इसका होना चाहिए। आई वंस अगेन जस्ट 5 सेकेंड्स फॉर द आंसर फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन, नो मोर टाइम नाउ, टाइम इज अप। मुंबई एंड अहमदाबाद, मुंबई एंड अहमदाबाद। थर्ड क्वेश्चन, What speed can be attained by maglev train? Maglev train जो है कितनी स्पीड, ना यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्जैक्ट स्पीड नहीं मांग रहा आपसे, तो जिस जल्दी से बोलिए कि कितनी स्पीड हो सकती है maglev ट्रेन की,
इट कैन बी फ्रॉम 500 टू 600 से ज्यादा तक, 600 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड हो सकती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये नेक्स्ट न्यूज आ गई उसके ऊपर क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूएनओ? यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके पता होना चाहिए कितने कंट्रीज मेंबर हैं यूएनओ के। 1, 2, 3, 4, 5, जल्दी से जवाब दीजिए। यस, आंसर इज 193। इन विच ऑर्गन ऑफ यूएनओ आर ऑल कंट्रीज रिप्रेजेंटेड? तो यूएनओ के कौन से ऑर्गन में सारे कंट्रीज रिप्रेजेंटेड होते हैं? यस, आई एम नॉट गिविंग यू ऑप्शंस, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द राइट आंसर। दैट इज जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में सारे कंट्रीज इसके मेंबर होते हैं। विच इज द मेन डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ? यूएनओ की डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, जहाँ पे सब मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? दैट इज, यस यू गॉट इट राइट, सिक्योरिटी काउंसिल। कितने मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के? हाउ मेनी मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल? 15। एक और क्वेश्चन, इज इंडिया मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? आंसर इज नो। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि पीछे हमने न्यूज़ में भी डाला था, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू बी द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, बट इंडिया विल बिकम मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑन 1/1/2021 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। हम्बन टोटा पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? यस, आंसर है, जल्दी से बोलिए आंसर इसका क्या है। आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? चलिए इसका भी जवाब दीजिए जल्दी से। गोटाबाया राजापक्षे। एंड हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? महिंदा राजापक्षे। बोथ आर ब्रदर्स, दोनों भाई भाई हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी इनका भाई है। हु हेल्प द कंट्री बिल्ड दिस पर्टिकुलर पोर्ट? कौन से देश के साथ एग्रीमेंट करके श्रीलंका ने यह पोर्ट बनाया है? किसकी इन्वेस्टमेंट हुई है यहाँ पे? यस, जल्दी से इसका जवाब। यस, आंसर इज चाइना। आंसर इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्या है हमारा। चाइना नेवल पॉलिसी इज एज डैश इज इन इंडिया, इसे क्या कहते हैं? नाउ इन इंडिया दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ, यस जल्दी से बोलिए क्या है इसका नाम, इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISA? ISA की फुल फॉर्म क्या है जल्दी से? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISA सिचुएटेड? ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है जल्दी से? हरियाणा में, इन द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया, दिल्ली के साथ गुरुग्राम, वहां पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। When was the concept of ISA mooted? And name the year and the place. कहाँ पे इसके बारे में डिसाइड हुआ था कि ISA बनना चाहिए? Yes, once again, 2015, Paris, climate summit था वहाँ पे, और उस climate summit के दौरान ही India and France, they had agreed to constitute a body, ISA, with headquarter at Gurugram, and agreement was between Prime Minister Modi and Mitra, President of France at that time. Which are the two lines, line of Cancer and line of Capricorn, pass through India? India में से Cancer और Capricorn में से कौन सी line pass होती है जल्दी से बताएंगे? It is line of Cancer. कितनी स्टेट्स के थ्रू पास होती है ये लाइन? हाउ मेनी स्टेट्स डज इट पास थ्रू? इट इज 8 states। वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है जहां से ये लाइन इंडिया में एंटर करेगी, वेस्टर्न साइड, इंडिया के वेस्टर्न साइड से? दैट इज, यस, गुजरात। एंड ईस्टर्न मोस्ट कौन सी होगी हमारी? दैट इज त्रिपुरा।
नेम द टू स्टेट्स इट डजंट पास थ्रू, यू कैन मिडल से छोड़ दें आगे पीछे, पंजाब हरियाणा यूपी कश्मीर, ठीक है, आप कोई भी इन स्टेटों में से नाम दे देंगे तो दैट विल बी गो थ्रू, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ऑल दो स्टेट्स इट डजंट पास थ्रू, विच लैटिट्यूड इज दिस लाइन, तो इक्वेटर से कितने क्या डिस्टेंस है इसका, दैट इज 23.5 डिग्रीज ऑफ इक्वेटर। SCO, SCO की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड हु इज द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइज, देखिए ये कीप ऑन चेंजिंग, यहाँ पे मतलब दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सो बट ऑर्गेनाइजेशन दिस ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट, तो व्लादिमीर नोरोव ऑफ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के फॉर्मर हैं ये, फॉर्मर उज्बेकिस्तान, उसके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, हु इज हेडिंग दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, व्लादिमीर नोरोव। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज बीजिंग, बीजिंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कितने कंट्रीज इसके मेंबर हैं, जल्दी से जवाब चाहिए इसका, यस दो हैं, चार हैं, पांच हैं, आठ हैं, दस हैं, छः हैं, कितने हैं, सो एट इज द आंसर। विच टू कंट्रीज ज्वाइंड SCO इन 2017, 2017 में कौन से दो कंट्रियों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, पहले इसके छः मेंबर थे अब आठ हो गए हैं, तो वो दो कंट्री कौन से हैं, यस बट जल्दी से, इंडिया एंड पाकिस्तान, दीज आर टू कंट्रीज विच जॉइंड SCO इन 2017। इंडिया में लिटरेसी रेट कितना हो गया है, एज पर द लेटेस्ट NSS सर्वे 75th सर्वे, अब ये क्वेश्चन ही है कि लिटरेसी रेट कब कब पूछ रहे हैं, तो लिटरेसी रेट जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, दैट इज एज पर द 75th सर्वे, उसके मुताबिक इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है, तो 77.7% इज द लिटरेसी रेट है, और मेल लिटरेसी रेट क्या है और फीमेल लिटरेसी रेट क्या है, जो हमारा मेल लिटरेसी रेट है दैट इज 84.7% और फीमेल लिटरेसी रेट इज 70.3%। ये डाटा है, ये जल्दी जल्दी से याद हो जाना चाहिए आपको, बहुत तेज़ी से याद होना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। अर्बन लिटरेसी रेट इंडिया का कितना है, अर्बन लिटरेसी रेट इज 87.7% और रूरल लिटरेसी रेट कितना है, 73.5%। मैक्सिमम कहाँ का है, केरल का 96.2% और मिनिमम कहाँ का है, दैट इज आंध्र प्रदेश, नॉर्मली वी थिंक इट इज बिहार होता है बट दिस टाइम इट इज आंध्र प्रदेश which is at the lowest rate now, because literacy rate hai minimum, and household social consumption education ye 75th round survey hai NSS ka 2017 to 2018, according to this is the data, so I think aise humne rapid fire mein question kiye hain, aur agar galti bhi ki hogi aapne to bhi aapko ye bahut acche se yaad ho jayega, I am very sure of this, so isi format mein hum in questions ko karte rahenge taaki in cheezon ko aap acche se yaad kar saken। थैंक यू।